गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 21 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 21 वीडियो पे आज हम लोग चैप्टर 1 के विविध प्रश्नावली पे हैं और क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है कि एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है। x क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है और px जो x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है पर विचार करें, यानी यह पावर सेट दिया है। ठीक है, निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित है। px में एक संबंध r किस प्रकार से परिभाषित है कि px के उपसमुच्चय a b के लिए, यानी कि px का उपसमुच्चय a और b है। a और b क्या है? px का सबसेट है। a रिलेटेड टू b और a और b कैसे रिलेटेड है? यदि और केवल यदि a b का सबसेट है तभी। अगर a b का सबसेट है तो वहां कह सकते हैं कि a b के साथ रिलेटेड है। क्या R Px में एक तुल्यता संबंध है? तो तुल्यता संबंध होने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, टेंजेंटिव तीनों होना चाहिए ना। तो अपने उत्तर का औचित्य बताना है, यह अभी हमें करना है। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर A B C यह तीन ऐसे समुच्चय हैं जो सबसेट है Px के, जो Px के सबसेट है। ठीक है, चलिए Px के सबसेट है मान लेते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए, पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव। अच्छा, रिफ्लेक्सिव की बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं कि a a का सबसेट है। a a का सबसेट है, बिल्कुल हो सकता है चाहे b b का सबसेट है, चाहे c c का सबसेट है। यानी मतलब यही हुआ कि a a रिलेटेड है a के साथ। देयरफोर r इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन r जो है आपका रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, स्वतुल्य है। चलिए सममित के लिए देखते हैं। फॉर सिमेट्रिक के लिए, सममित के लिए बात करते हैं। तो अगर मैं कहूं कि ए बी का सबसेट है तो क्या अगर ए बी का सबसेट है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ए रिलेटेड टू बी है, तो क्या बी ए के साथ रिलेटेड हो सकता है? नहीं, यह जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि बी ए का सबसेट है। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट होगा? नहीं ना होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देयरफोर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अच्छा, जब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हो रहा, तो जब सिमेट्रिक नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है वह तुल्यता संबंध नहीं होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हुआ ही नहीं, तो ट्रांजिटिव अगर चेक भी किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो ट्रांजिटिव चेक भी कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं हो रहा है इसलिए इक्विवेलेंस नहीं है। चलो मैं चेक कर दे रहा हूँ ट्रांजिटिव हमारा यही से ही काम हो गया, लेकिन मैं ट्रांजिटिव भी दिखा देता हूं। ए बी का सबसेट है तथा बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए सी का सबसेट होगा। यानी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर ए रिलेटेड है बी के साथ तथा बी रिलेटेड है सी के साथ, तो ए भी सी के साथ रिलेटेड हो जा रहा है। देयरफॉर यहां कह सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ, ट्रांजिटिव हो गया। तो यहां कह सकते हैं कि अतः आर एक तुल्यता संबंध नहीं है। तुल्यता संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। दो तो हो जा रहा है, तीनों होना चाहिए तभी ना वो आपका इक्विवेलेंस कहलाता, तो इक्विवेलेंस नहीं है। चलिए क्वेश्चन